आपको बता दें इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर अंशिका दर्शकों को बता दें, जहां इंदौर से बड़ी खबर यह आ रही है कि मतदान से पहले बवाल होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल इंदौर में जो बवाल हुआ राव विधानसभा के भवरकुआ क्षेत्र में, यह बवाल हुआ मतदान से पहले। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, इस्तेमाल करना पड़ा इसका। जीतू पटवारी और मधु वर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जीत नगर का विवाद पहुंचा थाने तक और इन सब के बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। विवाद का वीडियो भी सामने आया था। दोनों पक्षों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आज चुनाव है, आज वोट डाले जाएंगे। आज 230 विधानसभा की सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं और ऐसे में लोग ना डरे ना सहम कर रहे, इसीलिए पुलिस पहले ही वहां पर मुस्तैद है, सतर्क है। आंसू गैस के गोले आप देखिए किस तरीके से दागे गए हैं ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, और इंदौर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मतदान से पहले राव विधानसभा क्षेत्र में बवाल हुआ और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। जीतू पटवारी और मधु वर्मा यहां से चुनावी मैदान में। जीतनगर का विवाद ये पहुंच गया थाने तक, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। विवाद के बाद दोनों पक्षों पर FIR पुलिस ने दर्ज की है और अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि इस पूरे मामले को लेकर डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज की जो 300 सीटें हैं उस पर मतदान होना है और मतदान के साथ साथ छोटे मोटे जो इस तरह के बवाल या इस तरह की घटनाएं, पुलिस को इन्हें नियंत्रित करना होगा। बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की। ये देखिए किस तरह से वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बवाल जब शुरू हुआ तो लोगों को तितर बितर करने के लिए अंशिका पुलिस को यहां पर थोड़ा हल्का बल प्रयोग यहां करना पड़ा, जिसमें कि आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, जिससे कि लोगों को यहां से तितर बितर किया जा सके और इस गैस का इस्तेमाल करके यहां पर लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई। और चूंकि कानून व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फॉलो होता रहे, ये बहुत जरूरी है। और चुनाव से पहले किसी भी तरह की ऐसी अशांति की संभावनाओं को निरस्त करना, ये सुनिश्चित करना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी रही। और इस दौरान थोड़ी सी जरूर गहमा गहमी देखने को मिली, अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए जरूर बना, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मौजूदा स्थिति लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सीटों के लिहाज से भी और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिहाज से भी। तो ये दोनों ही जो पक्ष हैं चुनाव के दौरान, इस पर रहेगी हमारी नजर। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर छूटेगी नहीं, आप तक पहुंचेगी जरूर। तो इंदौर से ये तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं, जहां मारपीट का मामला सामने आया। फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है, FIR पुलिस से दर्ज कर लिया। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये पूरा मामला क्या है, आखिर कहां से कहां सुनी शुरू हुई, फिर मारपीट में तब्दील हो गई और अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो जीत नगर का है और जीत नगर राव विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, जहां से कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और बीजेपी के प्रत्याशी मधु वर्मा आमने सामने यानी चुनावी मैदान में दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, ये जो विवाद है जीतनगर का, जो अभी तक जानकारी सामने आई कि फ्री बीज को लेकर यानी मुफ्त की चीजों को लेकर विवाद शुरू होता है और वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट की स्थिति बन जाती है। मारपीट का जो वीडियो है वो सामने आ चुका है, उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल दोनों पक्षों पर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि बवाल देर रात तक चलता रहा और बवाल इस तरीके से अनियंत्रित हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने में इकट्ठे हो रहे थे, चौराहे पर खड़े हो गए, रोड पर खड़े हो गए। पुलिस ने उन्हें समझाया, जब वो नहीं हट रहे थे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उसका भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन यह स्थिति बनी है जीतनगर में और जिसका नाम आ रहा है वो बीजेपी। अभी क्या हालात है मिथिलेश, अभी क्या हालात है, क्योंकि अब से करीब आधे घंटे बाद मॉक पोल होगा और उसके बाद फिर पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लोग वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या स्थिति है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अभी सब कुछ स्थिति जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जहां पर विवाद हुआ था वहां पर पुलिस की संख्या ज्यादा लगा दी गई है, यानी जो फोर्स है उसे वहां पर बढ़ा दिया गया है कि वापस से सुबह विवाद ना हो, और सभी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दे दिया गया पुलिस की तरफ से कि अगर अब भीड़ इकट्ठी होती, क्योंकि मतदान शुरू होने वाला है, तो बड़ी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कल देर रात तक इंदौर में बवाल चलता रहा। बिल्कुल, लेकिन मिथिलेश एक बात और यहां पर, लोगों में जो संदेश, इस तरह की जब छिटपुट घटनाएं होती हैं तो संदेश जो है वो सही नहीं जाता है,
तो हालांकि रात में ये घटना हुई और सुबह पोलिंग के हालांकि लोगों के रिएक्शन लेने की तो बहुत ज्यादा यहां पर समय नहीं मिल पा रहा होगा। आप रहिएगा मिथिलेश, आपसे डिटेल्स आगे लेते रहेंगे, जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी ये सारी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे, और जनता तक ये खबर भी हम पहुंचाते रहेंगे। और जनता तो तैयार है वोट डालने के लिए, और जनता के ही हाथ में इस वक्त जनादेश का ये सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो अभी है। और चूंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक चरण में 230 सीटें मध्य प्रदेश की और 70 सीटें अंशिका छत्तीसगढ़ की, जहां पर की वोटिंग होनी है, और इससे पहले ये